दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लाए हैं एक बेहद रोचक जानकारी। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी शान और गौरव का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बात तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, इसमें नया क्या है। लेकिन आगे हम जो बातें बताने जा रहे हैं उन्हें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप खुद कहोगे आपने इस वीडियो से बहुत कुछ नया जाना है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम आपको ज्यादा सस्पेंस में नहीं रखेंगे, हम आपको बताते हैं इन दोनों अवसरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने में जो अंतर है उसके बारे में। नंबर 1, फ्लैग होस्टिंग और फ्लैग अनफर्लिंग। 15 अगस्त यानी इंडिपेंडेंस डे वाले दिन राष्ट्रीय झंडा ऊपर खींचा जाता है और फिर फहराया जाता है। इसे ध्वजारोहण या फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। जबकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे वाले दिन झंडा ऊपर बंधा रहता है, उसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना या फ्लैग अनफर्लिंग कहते हैं। नंबर 2, झंडा फहराने के स्थान का फर्क। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन लाल किले पर होता है, वहीं पर प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। प्रधानमंत्री इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं, जबकि रिपब्लिक डे के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजपथ पर होता है। नंबर 3, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण करते हैं। 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? तो सुनिए। प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उससे पहले न तो देश में संविधान था और न ही संवैधानिक प्रमुख यानी राष्ट्रपति। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे जल्दी ही अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।